दोस्तों यही वो किला है जिसमें रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया था। कैसे दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ भटिंडा किला, जो कि मुबारक किला से भी जाना जाता है। और इसी किले के अंदर तोहफे रखवाई थी, वो तोहफे मैं दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ जो रजिया सुल्तान थी उनको कैद कर लिया गया था उन्हीं के गवर्नर द्वारा। तो चलिए मैं आपको इस किले के अंदर घुमाता हूँ और मैं इस किले की सैर कराता हूँ। तो दोस्तों ये है इसकी बाहर की एंट्री, यानी बाहर का लुक आप देख सकते हो, और इसी के अंदर हम एंट्री करने वाले हैं। कितना शानदार वाइड एंगल लग रहा है ये, आप देख सकते हो अंदर से किले का लुक कितना शानदार और कितना बड़ा लुक है, बहुत ही बड़ा है। अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान में जो किले होते हैं ना, सेम इस तरीके। तो यहाँ से एक्चुअली तीन रास्ते, एक सामने वाला रास्ता जिसको क्लोज कर दिया गया है, और ये वाला जो रास्ता है ये ओल्ड गुरुद्वारा का है, और इसी के बराबर में जो रास्ता है वो है बाबर की, जहाँ तोप रखी हुई है। तो मैं ये आपको दिखाऊंगा, बट इससे इधर अब मैं चलता हूँ तो यहाँ पर पार्ट चल रहा है, और इसी के जस्ट पीछे से वो जगह है जहाँ पर राजिया सुल्तान को कैद कर लिया था उनके गवर्नर ने। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं ऊपर आ चुका हूँ और मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे ये सामने जो जगह है जहाँ पर ये तीन चार दरवाजे हैं, एक्चुअली में ये वही जगह है जहाँ पर रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया था। अब इस जगह को बंद कर दिया है, और जो कैद किया था इन्हीं के गवर्नर ने कैद किया था। तो आप देख सकते हो ध्यान से, ये वो जगह है जहाँ रजिया सुल्तान को कैद किया कर लिया था उनके गवर्नर ने। अब इसको बंद कर दिया है, और इसी के बराबर में देखोगे काम चल रहा है, बहुत ही ऊंचा है ये। और इसी के अगर इधर देखोगे तो यहाँ पर जो है पाठ चल रहा है और लंगर चल रहा है। तो आप सोच रहे हो एक्चुअली पे यहाँ पर जो है पाठ क्यों हो रहा है। एक्चुअली में बताते हैं कि इस किले के अंदर सिख लोगों के 10वें गुरु आए थे, उन्होंने यहाँ का दौरा किया था, इसलिए इसे जो है सिख लोगों का किला भी कहा जाता है। और एक्चुअली में भटिंडा किला भी है और इसे मुबारक किला भी बोला जाता है। इसकी हिस्ट्री जो है बहुत बड़ी है। देखिए इसमें जो दो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि एक रजिया सुल्तान को कैद कर लिया गया था उनके गवर्नर ने, और उसी के बाद उससे शादी भी कर ली थी, और दूसरा यह है कि बाबर यहाँ आया था तो उसने अपनी तोपें रखी थी, जिसमें चार तोपें उनकी अभी भी मौजूद है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको अंदर लेकर जाता हूँ, देखता हूँ थोड़ा खुलता नहीं खुलता है। हालाँकि जो इस एरिया में ले रहा हूँ ये बंद है, बट जितना हो सके इतना दिखाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली में ये किला अंदर से बहुत ही बड़ा है, और इस किले की जो कहानी रही है वो ये मान के चलिए कि 600-700 साल के बीच ऐसी रही है कि बहुत सारे आक्रमण हुए हैं इस किले के ऊपर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से आप देख सकते हैं अंदर से बहुत बड़ा है, और एक्चुअल में और आगे जाऊँ तो इन्होंने वहाँ क्लोज कर रखा है, यानी उसको बंद कर दिया है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आगे गेट लगा हुआ है जहाँ इस पर लिखा हुआ है क्लोज, यानी वहाँ एक्चुअली काम चल रहा है। देख सकते हो ये एक्चुअली इन्होंने क्लोज कर दिया है, यहाँ से अंदर जा नहीं सकते। बट अगर मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाऊं ये तो ये देखिए आप, यानी चारों तरफ से जो किला है चारों तरफ से है, और बीच में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ के भी आप व्यू देख सकते हो। ये देखिए कितना बड़ा किला है अंदर से ये, बट फिलहाल बंद कर रखा है। और सामने वो गुरुद्वारा है जो मैंने आपको दिखाया था, जहाँ से पाठ चल रहा था, जहाँ हमने लंगर छका था। ये जो रास्ता जा रहा है एक्चुअली में ये उस गेट के अंदर भी जा रहा है जहाँ पर रजिया सुल्तान आराम करा करती थी, बट इस गेट को भी इन्होंने क्लोज कर दिया है। आप देख सकते हो ये गेट बिल्कुल आपको क्लोज नज़र आ रहा है, बंद कर दिया है, यहाँ जाना अलाउ नहीं है।
ये जो मेरे पीछे रास्ता देख रहे हैं ये एक्चुअल में वो जगह है जहाँ पर बाबर ने 4 तोहफे रखी थी। अब मैं वही तोहफे आपको दिखा रहा हूँ। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो साइड में एक रास्ता है, तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो एक्चुअली एक रूम है जिसके अंदर वो तोहफे अभी भी कैद हैं और पूरी तरीके से संभाल कर रखी गई है। तो आप देख सकते हैं यही हैं। दोस्तों ये देख सकते हो ये वही तोहफे हैं जो बाबर लेकर आए थे इंडिया, और इसमें 4 तोहफे हैं, यानी बाबर के समय ये तोहफे यूज़ हुआ करते थे। आप देख सकते हो, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं तो इसकी क्लैरिटी और सफाई अगर अभी भी देखोगे ना आप तो कितनी साफ दिखाई दे रही है, ये देखिए। और अगर मैं लंबाई और इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो जो सेम आज कैटेगरी के तोहफे बनते हैं सेम उसी कैटेगरी में, इस समय यहाँ पर जो है मात्र 4 तोहफे रखे हुए हैं, 2, 3, 4, ये 4 तोहफे हैं जो आप देख सकते हैं जो कि बाबर के समय यूज की हुआ करती थी। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको ओल्ड गुरुद्वारा, जो ओल्ड गुरुद्वारा है मैं वो आपको दिखाऊंगा। उसका रास्ता ये सीधा जा रहा है, ये मैंने आपको दिखाया था जहाँ बाबर की तोप रखी हुई है, बट ये गुरुद्वारा का रास्ता है। एक्चुअली मैं यहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं था, फ़ोन ही अलाउ था, तो उसी से वीडियो शूट कर रहा हूँ। और बहुत गर्मी है और एक्चुअली में बहुत बड़ा किला है क्योंकि 14 एकड़ में बना हुआ है। ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ गुरुद्वारा, एक्चुअली जो सिख लोग हैं उनके 10वें गुरु यहाँ आए थे, शायद इसलिए ये यहाँ पर गुरुद्वारा बना हुआ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप सफाई देख सकते हैं, सफाई इसलिए है क्योंकि यहाँ गुरुद्वारा है, कोई रिलीजियस पॉइंट होता है तो एक्चुअली उस जगह पर सफाई होती ही है। ये देखिए ये रास्ता है, जूते और जुराबे उतार कर जाएं, ये आप देख सकते हो, वो आप देख सकते हैं, ये है ओल्ड गुरुद्वारा। और एक्चुअली भाई यहाँ से आप किला देख सकते हैं, पूरी तरह यहाँ से किला दिखाई देता है, पूरा आप किला आप यहाँ से देख सकते हो। सबसे ऊंची टोली पर मैं यहाँ खड़े होने वाला हूँ, ये देखिए दोस्तों बहुत ऊंचा है, मैं तो यहाँ आ गया। अगर आप भटिंडा आएँ तो इस किले को ज़रूर घूमें। और रजिया सुल्तान की बात करूँ तो जब उनको कैद कर लिया गया था और उसी के बाद उस गवर्नर ने उनसे शादी भी कर ली थी, तो आपने एक मिथ सुना होगा जिस पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि एक्चुअली में उनके कब्र कहाँ हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली बोलते हैं, बहुत सारे लोग करनाल में बोलते हैं जो कैथक जगह है। तो यहाँ के लोगों से मैंने पता करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि एक्चुअली में उन्हें करनाल कैथक में उनको दफनाया गया था, फिर वहाँ से निकाल लिया गया, और लास्ट में जो उनकी ओरिजिनल कब्र है वो लोग ये कहते हैं वो दिल्ली ही है। तो ये बात सही है कि जो लोग आपको कब्र गिनाते हैं कई जगह वो ठीक है बात, लेकिन उसका यही है कि यहाँ से धीरे धीरे वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो ये कहानी है दोस्तों। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है, कहानी पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दे रखा है। और मिलता हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसको साथ आप बुरा मत मानना और इसको आप किसी दूसरे तरीके से मत लेना। आप आवाज़ सुन रहे हैं, एक्चुअली ये पाठ चल रहा है, यहाँ सिख लोग हैं, और एक्चुअली एक ओल्ड गुरुद्वारा जो मैंने अभी आपको दिखाया था और ये एक नया जो बना हुआ है, ये इस कौम के अंदर जज्बा है और ताकत है, इसलिए मैं इस कौम को सलूट करता हूँ कि इन्होंने इस किले को ज़िंदा रखा। और ये किला आज भी गुरुद्वारा और ये मतलब इस रूप में भी जाना जाता है, और आप खुद देखिए ना कि अभी भी काम चल रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर मैंने 500 जितनी हिस्टोरिकल जगह कवर किए हैं, लेकिन वहाँ जितने भी किले देखे हैं उनके अंदर मस्जिद या तो बंद होगी या वहाँ मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी जा रही होगी। तो सिख भाइयों को सलूट करता हूँ कि इनसे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है, कि आप देखिए कि जो पुराना मैंने आपको गुरुद्वारा दिखाया था ओल्ड,
वो कितना खूबसूरत उन्होंने उसको कर रखा है, और जो नए पे जहाँ हमने लंगर छका था वो कितना शानदार कर रखा है। सलूट करना चाहूँगा सिख भाइयों को। और कहीं ना कहीं अब जो दूसरे लोग हैं, जितनी भी मस्जिद हैं, अक्सर या तो मस्जिद बंद कर दी गई हैं या फिर उनमें नमाज़ अदा नहीं होती या उनकी सफाई तक नहीं होती, कम से कम और दूसरे लोगों को सिख समाज के लोगों से सबक लेना चाहिए।